टेक्निकल न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और दोस्तों खुशी की बात यह है कि टेनोरी स्मार्टफोन्स में एक अपडेट आया हुआ है, सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। और जैसे कि आपको पता है जो अपडेट है वो ओरियो अपडेट है और उस अपडेट में क्या क्या फीचर है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो अपडेट आपको करना चाहिए, क्या वो अपडेट में भी कुछ बग्स की इश्यूज होंगे आपको, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। टाइम ना गवाते हुए मैं आपको सीधे मुद्दे पे बात करता हूं। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको तीन फीचर आपको मिलने वाले। सबसे पहले जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो आपको अगस्त का मिलेगा और दूसरी जो है वो ओरियो अपडेट है 8.1 के साथ और तीसरा जो है वो आपको मिलता है स्टेबिलिटी फिक्सेस के लिए, स्टेबल नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए। अब आपको बताना है सिक्योरिटी अपडेट जो है वो कि अगस्त का होगा, यानी कि अगस्त का मंथ अभी खत्म होने को है, फिर भी ठीक है उतना तो भी उन्होंने कर दिया और यहाँ पर आपको ओरियो का 8.1 मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस अपडेट को करने जा रहा है, जाने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जो ओरियो का अपडेट है काफी कुछ आपको बग्स आपको देखने को मिलेगा। मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि इसमें आपको बग्स काफी सब देखने को मिल सकता है, लेकिन ओरियो का 8.1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। 10 में भी ये अपडेट आया था। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी फिक्सेस के लिए आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको एक अपडेट मिलता है। तो यहाँ पर ये जो अपडेट है यही अपडेट ज्यादा जिनको भी बग्स को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही थी, हीटिंग इश्यूज, हैंग इश्यूज, बैटरी ड्रेन, तो उन सबको लिए ये काम आएगा। तो इसी के लिए अपडेट बना है। आप देखना है कि इस अपडेट से कितना फर्क पड़ता है। टेनोर ई के स्मार्टफोन्स में आ गया है, टेनोर जी के स्मार्टफोन में कब आएगा इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अब ये टेनोर जी में भी आ जाएगा। और ये अपडेट वैसे भी 28-29 को उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि यहाँ पर 28 का आपको मिलेगा, सेप्टेम्बर के मंथ पे शायद टेनोर जी का आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको टेनोर ई पर आपको अपडेट मिला है और इसके ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में मैं आपको और भी आपको वीडियो में बना के दूंगा, क्योंकि ओरियो अपडेट जो है उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी 15 दिन के बाद मैं आपको बना के दूंगा और कुछ फीचर्स जो भी इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि आपको ओरियो अपडेट में क्या क्या फीचर आपको मिल रहा है। वेल मैं आपको बता दूं, ओरियो का अपडेट में आपको ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते, यानी कि ज्यादा आपको कुछ बढ़कर आपको फीचर नहीं मिलेगा। तो फाइनली टेनोर ई स्मार्टफोन में रो कर एक अपडेट दे दिया है और अब देखने वाली बात है कि ये अपडेट कितना स्टेबल है। अगर ये अपडेट स्टेबल है तो ही हम सबके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर से सबको रोना पड़ेगा। और ओरियो अपडेट एक बार अगर अच्छा निकला तो मैं आपको कहूंगा कि ये काफी एक अच्छा होने वाला है टेनोर की तरफ से। अब देखते हैं ये अपडेट कैसा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है तो इसे पहले से शेयर कीजिए, सबको पता चलना चाहिए, जो टेनोर जी यूजर है उन्हें भी ये पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि टेनोर अब अपडेट देना बंद कर दी है, तो ये डाउट उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, उन्हें सब्सक्राइब भी करना और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी साथ में प्रेस करना। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।